दुर्ग शहर विधायक अपने दौरे के दौरान आकस्मिक मोहन नगर थाने का जायजा लेने पहुंचे। वह थाना भवन की जर्जर दुर्दशा पर जल्द संधारण कार्य करने के लिए आश्वासन दिया। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा अपने दौरे के दौरान अचानक मोहन नगर थाने का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान मौजूद पुलिस स्टाफ ने विधायक को थाने में देखकर आश्चर्य के साथ खुशी भी जाहिर की। इस दौरान थाना भवन का जायजा लेते हुए उन्हें देखा गया। थाने की हालत बहुत ही बेकार हो गई है, छत कहीं गिर गए हैं तो कहीं दीवार टूटी नजर आई। इस मौके पर विधायक वोरा ने शामिल पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में भ्रमण कर इस थाने को जल्द संधारण कराए जाने, सरकार की योजना के अनुसार सभी जर्जर थानों का संधारण कार्य कराए जाने की बातें कही। सरकार की योजना है कि सभी थानों का यहाँ पर वो संधारण की स्थिति में है, उसको संधारण किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने राशि भी स्वीकृत की है। मैं आज अपने क्षेत्र के मोहन नगर थाने में पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि यहाँ कोई जो बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। आज से 36 साल पहले जब श्री मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस थाने की स्थापना की थी, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी, जो लगभग 1 लाख की आबादी पटरी पार, उसके लिए यहाँ पे थाने की आवश्यकता उस समय महसूस की गई थी, तो थाने का निर्माण हुआ। अभी इन 36 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि इसमें संधारण कार्य नहीं हुआ जिसकी आवश्यकता है। मुझे जैसे इसकी जानकारी मिली कि जो दूसरों को सुरक्षा दे रहे हैं, जिनसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो भवन में असुरक्षित हैं। मैं इस संदर्भ में जिलाधीश महोदय से, SP महोदय से और PWD के अधिकारियों से, खासकर PWD के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि वे स्वयं यहाँ पर आएँ, देखें और किस तरीके से हमारे ये जो वीर जवान हैं, जो हमारे पुलिस के जवान जो दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और जब यहाँ थाने में आते हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी भी अभी आपने देखा होगा कि एक छत का वो प्लास्टर गिर रहा है, चारों तरफ क्रैक दिखलाई दे रहा है, देखिए क्रैक है पूरा। तो इससे लोग, उनके मन में एक भय की भावना आ गई है कि इसका अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। SP महोदय को और कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान में लेना चाहिए ताकि ये हमारे पुलिस के अधिकारी सुरक्षित रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।